सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। खबर उन्नाव से, रक्षाबंधन पर हर्षोल्लास से गौ माय निर्माण की राखियां बांधी बहनों ने अंकित शुक्ला के आह्वान पर। गौ माय निर्माण राखियां बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र, भाइयों ने लिया गाय व बहनों की सुरक्षा करने का संकल्प, अंकित शुक्ला। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के अध्यक्ष अंकित शुक्ला के आह्वान पर भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनी बीज राखियां आकर्षण का केंद्र रही। ये राखियां बाजार में मौजूद अन्य राखियों से न केवल सस्ती हैं, बल्कि अलग अलग रंगों और डिजाइन में उपलब्ध थी। इनका मूल्य 5 रुपए से 7 रुपए था। अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने युवाओं व महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में आजीविका बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्य कर रहे पिछले वर्ष रक्षाबंधन पर गोबर की राखियां बना रही हैं, जो इस बार लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हैं। बिहार के गया में इन राखियों के स्टॉल भी कई जगह जगह लगाए थे। अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि इन राखियों की खास बात यह है कि इन्हें फेंकने के बाद पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इन्हें बनाते समय इसमें गुलाब, गेंदा, तुलसी सहित अन्य फूलों के बीज डाले जाते हैं। राखी को फेंकने के बाद गोबर की खाद बन जाती है और इसमें मौजूद बीज से पौधे उग जाते हैं। अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के 15,000 युवाओं व महिलाओं ने गाय के गोबर से राखियां बना रही हैं। अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया इसके अलावा वे गोबर से धूप, गमले, नेम प्लेट, दीवार, घड़ियां और दिए सहित अन्य चीजें बनाकर तैयार करेंगे। इसके अलावा कीटनाशक गोमूत्र से भी बनाएंगे उपयोगी चीजें। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गाय को हर रूप में उपयोगी साबित करना है और आवारा की तरह घूमने वाले गोवंशों को पुनः मानने का संकल्प ले गाय की सेवा करें। आदित्य अंकित शुक्ला ने बताया कि मैंने उन सभी असहाय गरीब बच्चों के साथ हर्षोल्लास से त्योहार मनाया, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके भाई नहीं थे, उनसे राखियां बंधवाई एवं उनकी हर तरह से रक्षा करने का संकल्प लिया। गौमय से निर्माणाधीन राखियां दिया और सक्षम लोगों से निवेदन किया, ऐसे त्योहारों पर सक्षम लोग ऐसे परिवारों की मदद करें, उनके साथ त्योहार बनाएं, यही मेरा उद्देश्य है। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हम सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।